अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबकी दुआ से अल्लाह आपको खुश रखे, आपके दुआओं में हमें भी याद रखे। फ्रेंड्स, नाटी मुर्गी का हल्का शेरवा बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये तीतर है, तीन पीस डीप फ्राई कर रही हूँ। हल्का शेरवा के पूरे चीज़ें देख लियो फ्रेंड्स। चार डले लहसुन के छिलके रखी हूँ, छिलके धो के बारीक काट के, अदरक और लहसुन, मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही, हम सब ज़्यादा तेज़ खाते ही, डेढ़ चम्मच नमक, डेढ़ चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग, चकला इलायची, कितनी ज़्यादा रखती कोतिमीर, उतना ग्रीन कलर आता है फ्रेंड्स, ज़्यादा ही है कोतिमीर, एक बड़ा टमाटर, एक छोटा टमाटर, एक बड़ा टमाटर पीसना है, छोटा टमाटर काट के डालना है, बड़ी दो बड़ी प्याज, इन सबको अच्छी तरह बारीक पेस्ट बना लेना फ्रेंड्स। आधा तीतर को डाल रही हूँ, आधा हल्के शेरवे को डाल रही हूँ फ्रेंड्स, नाटी मुर्गी गोश्त को। ये सूखा मसाला है, तीतर को दो चम्मच लाल मिर्च, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, डेढ़ चम्मच चिकन मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल कलर विनीगर, थोड़ा सा नमक एक चम्मच, डेढ़ चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर, इन सबको पानी में मिक्स करके तीतर को लगाना फ्रेंड्स। या चाहे आप हरिया मसाला बनाते हैं ना, उसमें मिला के डीप फ्राई बना रही हूँ ना, इसलिए तीतर को अच्छी तरह लगा के फ्रिज में एक डेढ़ घंटा टाइम रखने से अच्छा मसाला लग के टेस्ट रहता है। इन सबको अच्छी तरह बारीक पेस्ट बना लेना फ्रेंड्स, अलादा अलादा टमाटर को अलादा पेस्ट बना लेना, अदरक लहसुन को अलादा बना लेना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, स्टोव पे पैन रखे हूँ, हल्का शेरवा बगा रही हूँ फ्रेंड्स। मसाला भी रेडी है पीस के, टमाटर भी पीस के है, तेल एक कटोरी डाल रही हूँ। पैन अच्छी तरह गर्म होने के बाद मस्के का घी है एक चम्मच, अच्छी तरह तेल गर्म होने के बाद प्याज सब ये पेस्ट में ही डाल के हूँ फ्रेंड्स, दो बड़ी प्याज है इसलिए काट के बगा नहीं बगा रही हूँ, मसाला डाल के अच्छा फ्राई कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह मसाला कल्डा होना, कल्डा होने के बाद में गोश्त डालना फ्रेंड्स। कोतिमीर नहीं सो, ये अदरक लहसुन है, ये तीतर का दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं दो रेसिपी दिखा रही हूँ, एक ही स्टेप हो, कंफ्यूज नहीं होना। ये नाटी मुर्गी का गोश्त है, ये तीतर है, तीतर को दो चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, ये सूखे मसाले सब अच्छी तरह डाल के मिक्स कर लेना, थोड़ा पानी डालना फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, थोड़ा अच्छा मिक्स कर लिए फ्रेंड्स। पानी भी मिक्स करने के बाद तीतर को
अच्छी तरह मसाला लगा के घंटा दो घंटे टाइम फ्रिज में रख देना फ्रेंड्स। दो घंटे टाइम में फ्रिज में रख देना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अच्छा कल्डा हो गया, इसी दौरान आप गोश्त डाल देना। गोश्त डाल के मसाला अच्छी तरह लगने नहीं देना फ्रेंड्स। 5 मिनट अच्छा फ्राई कर लेना। कुछ पूछना है तो, कुछ बात करना है तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स गोश्त डाल के मसाला अच्छी तरह लगने देना 5 मिनट तक। टमाटर पीस के ही वो भी डाल देना फ्रेंड्स। थोड़ा पानी अच्छी तरह मिक्स करना फ्रेंड्स। कुछ पूछना है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। गोश्त को अच्छी तरह मसाला लग दे देना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स गोश्त को अच्छा मसाला लगने के बाद आपको जितना पानी चाहिए उतना डालना। ये नाटी गोश्त है जल्दी गलता नहीं, इसलिए 10-15 सीटी लेना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स तीतर फ्राई करके हो गया। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कैसा है, आपको कैसा पसंद आया। देखिए फ्रेंड्स हल्का शेरवा भी रोटियां तैयारी। ये खाना शुरू करेंगे। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। अल्लाह हाफिज़।